हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम योगेंद्र है और मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग और सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेजिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800836686 और हमारा एड्रेस है हाई टेक कंप्यूटर सिदारी आजमगढ़। आज मेरे पास G4 का मदरबोर्ड आया हुआ है, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। आज फिर दोबारा आया हुआ है, एक्चुअली ये किसी कस्टमर के थ्रू आया हुआ है मेरे पास, और आई थिंक ये पहले भी किसी ने देखा हुआ है बोर्ड। तो जैसा कि मैंने इसको देखा तो इस बोर्ड में एक तो पहले ये तो रस्टेड था, फिर मैंने उसको साफ़ किया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका जो जंपर वगैरह भी लगा, यहाँ पे ट्रैक वगैरह इसका डैमेज था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे होगे। इसके बाद ये हमने जंपर लगा के इसका ट्रैक रिपेयर किया है। तो रिपेयर करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ और मैंने इसको जब चेकिंग मोड पे लगाया तो यहाँ पे हमारा जो लोड है ये 003 करके ले रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग की लाइट भी ग्लो नहीं कर रही है, जबकि यहाँ पे चार्जिंग की लाइट वगैरह ग्लो करनी चाहिए लेकिन ग्लो नहीं कर रही है। तो एक बार मैं इसको ट्रेस करना चाहूँगा दोबारा, बाकी आप भी देख लें इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह G4 में अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरह इसको ट्रबल शूट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार इसको प्रॉपर चेक करता हूँ बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ इसका PCH का, ये ठीक है, यहाँ पे 0 शो नहीं करना चाहिए और यहाँ पे 0 शो कर रहा है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है, इसका मतलब कि इस एरिया में शॉर्टिंग है कोर सेक्शन में। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि इसके जो मेन सेक्शन है, जो DC/Vin सेक्शन है जिसको हम वोल्टेज सेक्शन भी बोलते हैं, यहाँ की क्या सिचुएशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.005 करके शो कर रहा है, तो ये इसकी 3/5 कॉइल है, यहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रहा है। और मैं रैम पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे ठीक है। तो एक बार मैं इसको बोर्ड पलट लेता हूँ, अब इसके मैं इस साइड चेक करता हूँ, अगर 3/5 सेक्शन में शॉर्टिंग है तो, जबकि यहाँ पे बीप शो नहीं करना चाहिए लेकिन ये शो कर रहा है, तो इसका हमारा कंफर्म हो रहा है, एक तो हमारा कोर सेक्शन में शॉर्टिंग है, दूसरी हमारी V-in सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो पहले मैं इसके V-in सेक्शन में काम करना चाहूँगा, और यहाँ पे आयो वगैरह भी काफ़ी सारी रेस्टेड से दिख रही है, तो एक बार मैं इसका V-in सेक्शन सबसे पहले मैं रेडी कर लेता हूँ। अब देख पा रहे हो काफ़ी सारा रस्टेड सा दिख रहा है यहाँ पे। तो एक बार मैं सबसे पहले तो मैं इसके इस वाले सेक्शन पे काम करना चाहूँगा, स्टेप डाउन 3 and 5 volt के रेगुलेटर पे। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप शॉर्टिंग क्लियर करूँगा। तो एक बार मैं यहाँ पे हमारी इसका जो हमारा LDO 3 and 5 volt में शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इसके जो फेज़ लाइन है आउटपुट में वो हमारे यहाँ पे अभी ये शॉर्टिंग दिखा रहा था लेकिन शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा है। तो एक बार मैं देखता हूँ कि क्या अभी जो शॉर्टिंग दिखा रहा था वो एक्चुअली वास्तव में रियल शॉर्टिंग है या नहीं है। तो एक बार इधर चेक करता हूँ इसके जो 19 volt का हमारा MOSFET है PK48, तो इसको मैं वोल्टेज रेंज पे सेट करता हूँ और 200 रेंज पे सेट करके एक बार मैं देखता हूँ कि क्या हमारी जो सप्लाई है गेट सप्लाई वो बन रही नहीं बन रही। आप देख पा रहे हो ये सप्लाई हमारी बन रही है और इसके इधर 18 volt भी ठीक बन रही है, इधर भी बन रही है, इसका मतलब हमारा ये सेक्शन सही है। एक्चुअली यहाँ पे एक MOSFET लगा होता है PK48 करके, लेकिन इसकी जगह इन्होंने जंपर मार रखा है, ये एक्चुअली पहले भी दिखा रखा है इन्होंने, तो इन्होंने मार रखा है। तो एक बार मैं
खैर कोई नहीं, जंपर तो ठीक है, अगर आप मॉस्फेट नहीं तो जंपर लगा सकते हो, लेकिन वैसे पर्टिकुलर हमें मॉस्फेट ही लगाना चाहिए। इसका मतलब ये सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, हमारा 3-5 का सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार 3-5 की आईसी को चेंज करता हूँ, और उसके बाद मैं, अब मेरे पास आईसी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ करके, एक बार मैं इसको चेंज करता हूँ। तो मैं अपना इसको ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ, और ये हमने पेस्टिंग कर लिया, और मैं इसको आईसी को रिमूव करता हूँ। थोड़ा ये एयर कम कर लेता हूँ मैं, और इसको हमने निकाल लिया, और मेरे पास आईसी पड़ी हुई है ये, तो इसको मैं लगाता हूँ। ये आईसी हमने लगा दिया है, हमने इधर टेस्टिंग कर दिया है, वो आईसी को लगा दिया हमने। तो अब इसको मैं ज़रा क्लीन कर लेता हूँ, ये मेरा पेस्ट थीनर है, और मैं इसको तरीके से कर लेता हूँ, कॉटन देना वहाँ से, ताकि जी हमारा जो रेस्टेड था ये हमारा कॉटन के थ्रू हम इसको कर लेते हैं साफ, ना हमें लगाने जरूरत नहीं है। ये हमने लगा लिया, अब मैं इसको करता हूँ चेक, कि इसकी सिचुएशन क्या बन रही है। इस बार थोड़ा सा बोर्ड मेरा ओवर हीट हो रहा है, कोई नहीं, लगाता हूँ मैं। आप देख पा रहे हो कि लोड हमारा 28 के करीब आ गया है, और आप देख सकते हो इधर हमारी जो सप्लाई वगैरह भी प्रॉपर बन गई है। तो एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो जो हमारा मशीन का लोड है 6 4 5 4 3 करके ले रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका कोर सेक्शन का दिक्कत है, तो एक बार मैं सारी सप्लाई वगैरह चेक करता हूँ। कि पहले तो मैं एक चीज़ सप्लाई वगैरह चेक करने से पहले मैं इसकी जो शॉर्टिंग है वो मैं देख लेता हूँ, कि जो हमारी शॉर्टिंग है वो अभी भी शॉर्टिंग आ रही है, लेकिन मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार, और एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं सारी सप्लाई वगैरह चेक करता हूँ कि मेरी मशीन बंद हो रही है बार बार। तो एक बार मैं दोबारा ऑन करता हूँ इसको, और मैं इसको चेक करता हूँ सप्लाई वगैरह, आप देख सकते हो 1.8 ठीक है, और GFX ये भी ठीक है, 1.8 ये भी ठीक है, कोर सप्लाई भी बन रही है, रैम सप्लाई चेक करता हूँ ये भी ठीक है, 3.5 3 वोल्ट 5 वोल्ट। इसका मतलब हमारी जो सारी सप्लाई अगर बन रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। जो शॉर्टिंग है ये एक्चुअली मुझे CPU की लग रही है, तो एक बार मैं CPU को चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड में शॉर्टिंग होती तो हमारी जो सप्लाई वगैरह ये नहीं बनती। लेकिन मैं एक बार इसमें चेंज कर लेता हूँ उसको, और
मेरे पास प्रोसेसर पड़ा हुआ है तो इसको मैं लगाता हूँ। और ऑन करने से पहले एक बार हम प्रॉपर चेक करेंगे कि कई जो शॉर्टिंग थी वो हमारी हटी नहीं है, हटी या नहीं हटी। अगर शॉर्टिंग नहीं हटती है तो हो सकता हमारा ये सीपीयू भी उड़ जाए, मतलब शॉर्ट कर जाए। तो एक बार मैं चेक करता हूँ, इसको डी प्रेम से रख लेता हूँ और इसकी जो शॉर्टिंग है ये तो फ़िलहाल ठीक है। और घर भी ठीक है, मतलब यहाँ पे 1.8 वोल्ट पे हमें शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। और कोड पे ठीक है, ये सीपीयू का इम्पीडेंस बता रहा है। तो एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, केबल लगा लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा लोड बिल्कुल सही जा रहा है, आप देख सकते हो डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सीपीयू शॉर्ट था, इसका मतलब जिसके वजह से वहाँ पे शॉर्टिंग हमारा शो कर रहा था 1.8 वोल्ट पे। तो इसका मतलब हमारा ये जो सीपीयू है प्रॉपर शॉर्ट है। एक बार मैं दोबारा बंद करके देखता हूँ और इसको कर दिया हमने ऑन। तो ठीक है, मतलब हमारा काम अब हो चुका है। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्किटेक्ट सी एस।